मिलकर बोलो जय माता की, प्रेम से बोलो जय माता की। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इंगलाज माता के मंदिर पर, वहाँ चलकर आपको दिखाते हैं इंगलाज माता का मंदिर जो कि पहाड़ों के अंदर किस तरीके से मंदिर है। इतना यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कि सभी हमारे हिंदू यात्री यहाँ से जा रहे हैं जो कि इंगलाज माता के मंदिर पर जा रहे हैं। तो हम भी अपनी इंगलाज माता के मंदिर पर जा रहे हैं। पहाड़ देख सकते हैं यहाँ पे कितने कितने बड़े पहाड़ हैं, कितनी ज़्यादा आवाम है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। तो अभी हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, वहाँ चलकर मंदिर भी दिखाते हैं पहाड़ों के अंदर किस तरह से बना है, यहाँ की भीड़ भी दिखाते हैं, हमारे हिंदू भाई यात्री कितने आए हुए वो भी दिखाते हैं। वो चल के तो देख सकते हैं गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतने ज़्यादा हिंदू भाई हमारे यहाँ पर। तो गाइस इंगलाज माता के मंदिर पहुँच चुके हैं फाइनली और यहाँ पर तो भीड़ भाई साहब उससे भी ज़्यादा है। ये गाइस चारों तरफ देख सकते हैं पहाड़ है, कोई सड़क नहीं है लेकिन पहाड़ वगैरह क्रॉस करके आना पड़ता है, यहाँ पर माता के दर्शन करने के लिए पहाड़ वगैरह सभी क्रॉस करके आना पड़ता है। मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, अभी देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। तो गाइस मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं, अभी वहाँ से झूले लेते हैं, नारियल लेते हैं, जो भी सामान है वो अभी कल्चर लेते हैं। तो गाइस माता के स्थान के सामने पहुंच चुके हैं और एक चुनरी भी ले ली हमने साथ में, अभी हमारे साथ सुनील ले रहे चुनरी 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 दिखाया 100 रुपए के दिए, अभी हम आगे तरफ जा रहे हैं माता इंगलाज की तरफ। और जरा बोल तो गाइस ये है गेट माता इंगलाज। तो फ्रेंड यहाँ पर अभी हमने जूते वगैरह उतारे, जूते उतारने के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे, आगे चल के आपको मंदिर दिखाएंगे। तो देख सकते मेरे साथ दोस्त भी है मेरे साथ में, तो हमने जूते वगैरह यहाँ पर उतार लिए, अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो देख सकते हैं सभी यात्री यहाँ पर अभी जूते उतार भी रहे हैं, तो कुछ लोग तो यहाँ पर मैंने अभी जूते उतारने हैं। ये देखेंगे यहाँ ये स्थान है जहाँ पर जूते उतारने हैं। तो माता का मंदिर बहुत ही प्यारा है, बलोचिस्तान के पहाड़ों के इलाके में बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। जय माता की, जय माता की, जय माता की। आवे आवे जय हिंगलाज माता की, जय हिंगलाज माता की। गाइस ऊपर देखते पहाड़ है, जय माता की, जय माता की। तो गाइस ये देख सकते हैं ये है मंदिर इंगलाज माता का, ये ऊपर पहाड़ है नीचे मंदिर, देख सकते हैं ये है इंगलाज माता का मंदिर जहाँ पर हम इतनी दूर से यात्रा करने हैं और भी हमारे हिंदू लोग यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ पास चल कर कुछ। तो ये रहा गाइस मंदिर, ये है इंगलाज माता का मंदिर, वो माता रहनी थी। ये देख गाइस ये था लेकिन ज़्यादा भीड़ है, वीडियो अच्छी से नहीं है। नीचे का स्थान देख सकते हैं आप किस तरीके का है।
सभी यात्री किस तरीके से बैठे हैं। अभी हम इस तरह से सीढ़ी से उतरेंगे, ये देखें, यह है सीढ़ी और यह है शेरावाली माँ साथ में, और ये भी शेरावाली माँ का, और यह है साथ में, ये भी शेरावाली माँ, सभी शेरावाली माँ की पिक्चर और मूर्ति भी लगी है साथ में। और यहाँ पर तकरीबन लाखों के हिसाब से हिंदू आते हैं पाकिस्तान से, और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर आकर हमें। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना हमारे चैनल को, क्योंकि हम पाकिस्तानी हिंदू हैं। और साथ में एक शिवलिंग है, वो भी चल कर दिखाते हैं आपको, ये देखिए, यह है शिवलिंग महादेव का, कितना प्यारा है, ये स्वयं महादेव जी का शिवलिंग है। ये देखिए ऊपर से किस तरह अच्छा डिज़ाइन किया गया है, ये महादेव का शिवलिंग। तो अभी हम बाहर की तरफ चलते हैं, वहाँ से चल कर कोई दिखाते हैं। जय माता की, जय माता की, जय माता की। तो गाइस ये है हिंगलाज माता का स्थान, और ये था इनका गेट। तो अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं, हमने चुनरी वगैरह दे दी, और जो था ना तो गाइस हमने ना चुनरी वगैरह दे दी स्थान पर, और पूजा करके हम अभी वापस की तरफ जा रहे हैं। ये देखें, और वापस हम अपनी बस के पास जा रहे हैं। अभी आपको यात्राएं बहुत करानी, क्योंकि हमारी हम तो आए हुए हैं पंजाब से, पंजाब से तकरीबन 2000 किलोमीटर सफ़र है, यहाँ से 8 दिन का टूर है हमारा। तो हिंदू यात्री भी देखते हैं, पहाड़ों के अंदर है गाइस ये हमारा मंदिर। कोई भी इसको यानी कि ये सिटी वगैरह के अंदर नहीं, बहुत ज़्यादा पहाड़ ही पहाड़ है साइड पर देखते हैं, पहाड़ों के अंदर है ये मंदिर। और यहाँ पर ही हिंगलाज माता का मंदिर है, और ये पुल भी हुकूमत ने बना के दिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और सड़क भी बना के दी है। इस तरफ देखते हैं नदी के अंदर नहा रहे हैं, ये नदी जो है ये इसको पवित्र नदी कहते हैं। तो आज का व्लॉग यहीं पर दी एंड करते हैं, सुबह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से, तब तक ले लीजिए इजाज़त। सुबह भी वीडियो आएगी हमारी 84 धाम की।